सबको नमस्कार, मैं हिमाचली मॉम ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज है जी सैटरडे। सैटरडे की शाम को आप देख सकते हैं मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ अपने पुराने घर के पास। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ हैं जी, साथ है रौनक के पापा जी। वेलकम। नहा चुके हैं ये, अभी ड्यूटी से सीधे ही आए हैं यहाँ पे। ये मेरे से पहले आ गए थे और ये रस्ती मैंने ले आया है। और वहाँ पे मम्मी बैठे हुए हैं। हाँ, हम सारे आए हैं और रौनक उधर कमरे में है। डैडी अभी जो पिछले एक दिन से यही है, मम्मी भी यही है। तो रौनक के पापा की ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी से सीधे यहाँ आए हैं आज। मम्मी डैडी कल शाम को यही थे, मैं और रौनक पिछले वाले घर पर थे क्योंकि रौनक का आज स्कूल था। तो रौनक और मैं पीछे वाले घर के पास थे क्योंकि हमने ऊपर डिसाइड किया है। रस्ती नहीं, इसको ये है कि मेरे को यहाँ पे भी बांध क्यों दिया है, इसकी चेन नहीं लगी तो हमने इसको जुगाड़ से बांध लिया है क्योंकि ये यहाँ से फिर इधर उधर चला जाता है। तो हम इसको बांध के रख रहे हैं। और हम अब ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हम जैसे पीछे रहते हैं ना, तो इस घर के पास हम बहुत कम आते हैं। तो ऐसे ही वीकेंड में सैटरडे को हम बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं और संडे का दिन यहाँ गुजार के, क्योंकि फिर मंडे को रौनक के फिर स्कूल होंगे, फिर हम पीछे जा सकते हैं सैटरडे संडे की शाम को। रस्ती भी है कि मुझे खुले छोड़ दो क्योंकि इसको यहाँ काफ़ी स्पेस मिल जाता है खुले छोड़ने के लिए। बाकी घर जो है एकदम साफ सुथरा। और पिछले व्लॉग में कुछ कमेंट्स थे कि घर को भी दिखाना अच्छे से, चलिए आज इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो मेन घर जो है दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा बरामदा है जो कि सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ पे हम सर्दियों में धूप सेकते हैं। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा बरामदा है, ये हमने कच्चा ही रखा है क्योंकि यहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं। और टाइल्स इसीलिए यहाँ नहीं डाली है इधर साइड को क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फिसलन हो जाती है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्लोप है, तो इसलिए हमने ये रखा है। बाकी यहाँ पे टैप है, पब्लिक टैप बोलते हैं इसको, पब्लिक टैप भी कनेक्शन लगा नहीं अभी। ये जो कनेक्शन होता है ना, यहाँ पे पानी की काफी अच्छी वो है क्योंकि यहाँ पे पानी अच्छा आ जाता है। शाम को 5 बजे पानी खोला जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे तक पानी आता है। और सैटरडे को शाम को जैसे पानी खोल देते हैं, फिर संडे पूरा दिन पानी चलता है। ना पीछे शिल्पा की मम्मी है, वो बैठे हुए हैं वहां पे, ओटी पे बोलते हैं। तो उनसे पूछ रही हूँ कि क्या अभी भी सैटरडे को पानी शाम को खोल के मंडे सुबह तक आता है। तो ऐसे ही होता है, रस्ती फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि उसको यहाँ पे खुला जाना था। और बाकी सेकंड फ्लोर पे सीधे ही जैसे ही हम चलते हैं यहाँ पे भी एक गेट है। और यहाँ से शुरू कर रही हूँ, नीचे भी एक गेट है जो मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ से जैसे ही हम इस गेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक टॉयलेट है, सेपरेट है। यहाँ पे टॉयलेट अलग है और यहाँ पे बाथरूम है। बाथरूम भी काफी अच्छा है, खुले डुल्ले है। यहाँ पे मशीन है, सामान यहीं पे ही रखा है हमने बहुत। और फिर यहाँ सामने एक, इसको गैलरी बोलते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हर कैसे ही किया है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में चूल्हा जलता था। यहाँ देखो चूल्हा यहीं पे ही है और थोड़ा सा हो ही जाता है, बस साथ में वो थोड़ा सा खराब हो गया है। बाकी यहाँ बहुत अच्छा स्पेस है, डोर खुलता है। यहाँ पे भी अंदर एक छोटा सा स्टोर है, इसमें अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रखा है हमने खाने पीने का, जैसे कि छोटा है, बहुत छोटा सा है, मतलब जितना एक बाथरूम होता है। और फिर उसके बाद सीधे ही आगे आते हैं। वैसे तो मेरे पुराने वीडियो में सबने देखा ही है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा किचन है जो कि काफी अच्छा किचन है हमारा। यहाँ पे खुला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रिज है, लाइट है और इस तरह का है। यहाँ पे हमारा देखो सिंक वगैरह है, जैसे भी है सब कुछ ही, बहुत प्यारा सा किचन है। और ये देखो मेरे कप, ये कप मैंने बहुत प्यार से लिए थे, यहीं पे ही है। आज सारा मम्मी ने साफ किया है क्योंकि मम्मी पिछले कल आ गए थे यहाँ पे। देखो वहाँ पे चलो, कुछ थक गएगा, बहुत थक गए यहाँ। अरे आप क्या कहेंगे, मैं और रौनक के पापा खाना बनाएंगे, अब रहने दो आप, हम खाना बना देंगे आज। यहाँ पे हम सब हैं, लगभग कितने साल के बाद है, 1.5 साल बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में जब घर वगैरह बन रहा था तब हम यहाँ नहीं थे, बीच में मम्मी डैडी थे, जब घर बन रहा था मैं पीछे थी। आज हम सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, तो आज काफी स्पेशल बनेगा कुछ। और उसके बाद जब हम यहाँ से आते हैं बाहर, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा सा खुला सा बरामदा दिखता है। उधर भी देखिए, इधर भी देखिए, आगे भी खुला डुल्ला है। और उसके बाद जब हम सीधे यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक रूम और है जो कि मेरा रूम है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा अभी
साफ है, सारा साफ किया हुआ है, पर थोड़ा सा स्पाई की हुई है, तो अभी कपड़े तेरे भी थ्रू है। यहाँ पे आज हम सोने वाले हैं, यहाँ पे खुशबू वही आती है जो पहले आती थी। और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये मेरा पुराना ट्राइपॉड, ये मैं लेके जाऊंगी आज यहाँ से कल सुबह, क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट देना है। और बाकी पुराना गिफ्ट देगा किसी को? हाँ, मेरी फ्रेंड को दूंगी, ऐसे ही वो रील्स रूल्स बनाने के लिए। बाकी यहाँ मैं अभी साफ करूंगी, साफ तो ये किया हुआ है ऑलरेडी, बस इसको अच्छे से सेट करूंगी, क्योंकि मम्मी का काम हमेशा साफ करने का होता है और मैं पीछे से सेट करती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छा दिखता है काफी टाइम के बाद। ये घर और व्यू बहुत अच्छा है। और ये मेरा देखो धन लक्ष्मी कमल है, जिसमें पानी वगैरह डालते रहते, बीच बीच में हम डालते ही रहते हैं, बीच में मम्मी आते हैं, हमें अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मैंने तो कम टाइम भी स्पेंड किया हुआ है, फिर भी अच्छा लगेगा। आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गलती किसकी है? मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि हम बीच बीच में जाना चाहिए, तो क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे सब? मेरी गलती थोड़ी भाई, तो ऐसा होता है ना, आप ऊपर है, जब कभी रौनक स्कूल डैडी भी तो कम ही आते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब हम वीकेंड पे डेली आया करेंगे, मतलब सैटरडे को। गर्मी आ गई, गर्मी तो अच्छा हो यहाँ पे। हाँ, सर्दी में थोड़ा सा यहाँ पे ठंडी जगह है, सर्दी में नहीं रह सकते यहाँ पे। हाँ, और गर्मी तो आ सकते हैं, दिन भी बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ, तो आ सकते हैं, पास में कोई आराम सीधा रहता है। हाँ, रौनक के पापा जो है अभी वो ये जगह से बिल्कुल सीधा ड्यूटी के, यहाँ के लिए आपको ज्यादा सही पड़ता है ना, पीछे के लिए इनको काफी हाँ चढ़ाई पड़ती है। पुराना वाला घर है, इसमें भी यहीं से ही एंटर होते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप नीचे देना पड़ता है। ये हमारा तोंग वाला घर, ये हमारे जो पहाड़ी घरों की शान है, जो कि बहुत अच्छे भी लगते हैं। ये भ्रेटा बोलते हैं इसको, और ये उल्टान, इसको उल्टान बोलते हैं, इसको बाड़ तोंग बोलते हैं। और उसके बाद ये मेरा शादी के बाद ये हमारा रूम था, अभी तो यहाँ पे मेहमान वगैरह सोते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, लाइट वगैरह चली हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस तरह का। और यहाँ पे रौनक अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये मेरा भी रूम हुआ करता था एक टाइम के लिए, ये अभी भी आपका ही रूम है। तो रौनक आज यहाँ पे अकेले सोएगा, क्योंकि रौनक ने बोला है कि मुझे, रौनक सेपरेट रूम मांगता है, अभी पीछे हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, हॉल में ये सोता नहीं है, तो रौनक यहाँ सो जाया करेगा। और यहाँ से ये वाला फेड़ू, अब तो हम इनको ऐसे ही खा सकते हैं, इसमें जो खाने वाले फेड़ू नहीं होते, लाल वाले फेड़ू, वो लगते हैं बहुत अच्छे। मैं देख रही थी, हमारे पहाड़ों में ऐसा माना जाता है जो इसमें फूल लगता है वो भाग्यवान को ही दिखता है, तो वहाँ पे एक लौण बोलते हैं, लौण कुछ उसमें फूल जैसा लगा था, मुझे लगा कि वो लौण मतलब कि जो हमारे क्लाइम नहीं करते हैं चीज़ें, जैसे कोई भी क्या बोलते उसको, लौण को बेल, बेल हाँ, कुछ वो बेल क्लाइम करते करते वहाँ पहुँची और वहाँ उसमें फूल लग गया, तो मैं खुश होगी मुझे फेड़ू का फूल मिल गया। फेड़ू मतलब कि जो भी हमारा रहता है, अंजीर बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, उसका फूल जो है करोड़ों में एक आदमी को मिलता है, मिलता ही नहीं है, जिसको मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, तो मुझे भी लगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। और यहाँ से मतलब कि क्योंकि घर के पास वहाँ पीछे हमारे ना ही इतने अच्छे से पेड़ हैं और ना ही इतनी अच्छी सी जगह है, और सबसे बड़ी बात ये घर और जगह औसम, यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ रोड नहीं है, डेली 25-30 किलो जो है बैग उठा के जाना यहाँ से आसान बात नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइट पड़ जाती है रोड के लिए। यहाँ पे रोड क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, पर कोशिश बहुत की गई। और बाकी ये हमारा नेक्स्ट कमरा, ये वाला रूम, यहाँ मम्मी डैडी सोते हैं, ये चल गई हमारी लाइट यहाँ पे, और यहाँ मैं स्टिचिंग भी करती थी। और ये वाली अलमारी सेम ऐसी ही अलमारी उधर साइड को भी है, घर तो इतना है ना, मतलब कि अगर इसमें सामान नहीं होगा अपने हिसाब से, इसको ट्रेडिशनली बहुत अच्छा वो रेनोवेट कर सकते हैं। और इस घर के लिए आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इसको होम स्टे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो होम स्टे के लिए जो है ज़्यादातर शहरी लोग आते हैं, शहरी लोगों का यहाँ पर चलना, शहरी लोगों का यहाँ पे चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इतने दूर मेरे ख्याल से कोई नहीं आएंगे, है ना, नहीं आते, रोड ऑफ टॉप रोड है ना। हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे के अलावा बने हुए, कौन आएगा इतना दूर, अगर ये रोड में होता ना तो ये बहुत अच्छा होम स्टे बन सकता था, इसलिए इसको होम स्टे नहीं बना रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, जैसे कि बहुत विवादास्पद रही मेरी वीडियोस की, आप इसको वो बेचो वो सो जितना भी है बिकता है ठीक है, नहीं तो हमारे लिए हमारा घर है, हमें ऐसा भी नहीं है कि हम इसी पे ही डिपेंड रहेंगे। तो नेक्स्ट है जी हमारी ओटी, सबसे अच्छी जगह। हाँ, यहाँ तो मैं बहुत उधर बैठा, दादू भी होते थे हमें छोटे, बहुत याद आती है, ऐसे पढ़ना
इधर दादू उतरे इधर में चूड़े वक्त यस चलो इधर लोग आइए नमस्ते जी ठीक है। और ये हमारा जो है मेन गेट है, मतलब कि जैसे हम मेन एंट्री यहीं से करते हैं है, हाँ ये हमारा घर के लिए ऊपर वाले रोड के लिए रास्ता जाता है, ये वहाँ उधर पार सुमड़ी बोलते हैं वहाँ के लिए जाता है, और यहाँ घने घने से पेड़ है बंटी मतलब कि जहाँ पे इनकी जॉब है वहाँ के लिए जाता है, और ये नीचे जाता है मेन गाँव के लिए, और वहाँ से जब हम आते हैं वो देखिए उधर से हम आगे जाते हैं और इधर से हम ऊपर निकले, यहाँ से हम आए और यहाँ से भी एक एग्जिट और यहाँ से भी एक एग्जिट टूर। ये अगर आप कुंडी खोलते हो तो इससे सीधे ही आप पिछली साइड को चले जाते हो, मतलब कि शिल्पा के घर के लिए यहाँ से एकदम से निकल जाता है। हाँ ये हमारा मेन रास्ते के लिए निकल जाते हैं, और यही देखो पीछे शिल्पा का घर है, और ये बड़ी अच्छी सी जगह है ना, ये देखो कितना प्यारा लगता है, और ये हमारा जो सेकंड फ्लोर है थर्ड फ्लोर है वो दिख रहा है, और यहाँ से फिर नीचे रास्ता है। पर रौनक के पापा जब रात को आते थे तो यहीं से ही आते थे डायरेक्ट, क्योंकि नीचे से फिर घूम फिर के, क्योंकि ये घर बहुत लंबा चौड़ा है। तो चलिए अब ये वाला फ्लोर तो आपने देख ही लिया है कि कैसा है, अब मैं आपको नीचे ले चलती हूँ निचले वाले फ्लोर पे। आज मेरे साथ में दिखाता हूँ। और यहाँ से देखिए जैसे मैं अभी वहाँ से गई थी ना गेट से अंदर, यहाँ से आके कुछ स्टेप नीचे हैं, यहाँ पे सेफ रह जाती है लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी, और इसके नीचे भी काफी सारी जगह है, नहीं अच्छा जो दिया हुआ है, मम्मी अपनी जगह पे बैठ गए हैं ये, अभी इनको तो इस जगह से बहुत ज्यादा प्यार होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यहाँ 12 साल गुजारे हैं, इन्होंने तो मेरे ख्याल से 45 ईयर इनकी शादी को कम्प्लीट है, हम ग्रैंड पार्टी देंगे। हाँ मम्मी बोल रहे हैं कि मैंने ये वाला घर अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार किया था, और 45 साल मम्मी ने इस घर में निकाले, तो नेचुरली इनको इस घर से प्यार होगा, लेकिन ये ऐसे भी बोलते कि जहाँ परिवार होता है फिर वही ठीक लगता है, किले ना चलो अब हाँ हाँ जी, इसलिए हम भी मम्मी और डैडी आ गए थे नीचे, हम भी सारे ही नीचे आ गए, क्योंकि हमने भी यहाँ पे रहना हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पे उतनी नहीं है जितनी पीछे। और रास्ते तार खा रहा है क्या हूँ, झंगा नहीं लाई ना, चलो फटाफट से दिखाओ, ये जो फर्स्ट है ये पहले किचन भी हुआ करता था मम्मी, स्टोरी नहीं थी ना तो यहाँ किचन हुआ करता था। हाँ और अगर इसको किचन में हम अभी भी कन्वर्ट करेंगे तो काफी अच्छा होगा। हाँ यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है, तो ये किचन की शेल्फ बनी हुई है, चेंजिंग रूम है, क्लोथ वगैरह रखे हैं, यहाँ पे इनमें ना सब में कपड़े, तो यहाँ पे हम कपड़े वगैरह रखते हैं। हाँ और डैडी जी भी यहाँ पे दिन को बहुत ठंडा है यहाँ रहते हैं, तो बहुत ठंडा है, कूल गया आराम किया था। और फिर यहाँ से बाहर निकल के वाओ व्यू देखो आप गाइस, अल्टीमेट है यहाँ से जाके, यहाँ ये मेरा फेवरेट रूम, ये जब से बड़ा तब से मेरा रूम था, लाइट जला दो, ये जब से बड़ा तब से मेरा रूम था ना, और यहाँ पे है जी साईं बाबा जी, और सफाई हुई है पर बिखरा बिखरा सा है, थोड़ा झाकड़ी का सामान आया कुछ, सफाई बिखरा हुआ, झाकड़ी का सामान भी यहीं पे ही है, थके हुए ना बहुत किया है मम्मी ने, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बिखरा है बाकी साफ सुथरा है, अच्छा है, सेटिंग नहीं करता है ना ये झाकड़ी के डब्बे हैं, और यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और उसमें जो है डैडी के वो है गिफ्ट वगैरह, ये मैं शादी के तुरंत बाद की हूँ, ये देखो रौनक के पापा ऐसे दिखते थे पहले और मैं ऐसी देखती थी, ये हमारी शादी के 1.5 महीने के बाद की फोटो है, घर में सिंपल तरीके से पुराना सा मोबाइल था एक ना उसमें, हाँ और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की जो कमरों की हाइट है ना वो उतनी ठीक नहीं है, छोटी है, देखो ये घर भी ये निचले वाला फ्लोर, ऊपर वाला तो फिर भी ठीक है ना, फिर मिस्त्री दूसरा मिस्त्री क्या उस टाइम लोकल मिस्त्री होते थे ना, उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, आज मैं बताता हूं। ये रूम नहीं है ये खुड़ बोलते हैं जो भी, अब तो रूम है ये ना खुड़ था, हमारे गाय रहती थी, अब तो यहाँ पे कर दिया ना, उस टाइम मिट्टी थी, अभी स्टोर बने कसी वगैरह रखते हैं, कसियां जो भी हमारा पुराना वगैरह सामान है, और ये देखो ये ऐसा है क्योंकि खुड़ था ना ये गाय के लिए था, या मिट्टी यहाँ रही होगी तो उस
तरीके से बनाया था। अगर इनको मतलब कि साफ करेंगे ना, इनको निकाल के वो नीचे तो सीमेंट बिछाई हुई है ना, पर ये है कि ठीक है ठंडा है बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल एक रसोई वगैरह बन सकती है कुछ भी, पर ये खुड़ी है ये एक टाइप का, यहाँ पे ना गाय रखते थे और सेम वैसा ही उधर को भी इधर को रूम था, ये नहीं था खुड़, ये नहीं था खुड़। अच्छा मुझे नहीं पता अनाज, जैसे उस टाइम अपना अनाज होता था ना, तो उस टाइम बनाते हैं ठंडी जगह में अनाज होते, इसमें ड्रम थे, इसमें गेहूं वगैरह आटा भी रखते थे अनाज में उधर। ये हाय हाय सिर बज गया मेरा, क्या हुआ मैं एकदम से यहाँ पे ऐसे ऊपर उठ गई और ये मेरी मुंडी बज गई, मैं इसमें बजती ही रहती हूँ। और यहाँ पे कुछ पुरानी पुरानी सी चीजें हैं, सामान यहाँ पे बहुत सारा हमारा, देखो टोकरी, अभी हमारा पीछे भी इतना घर नहीं है कि हम पीछे ले जा सके, तो अभी यहीं पे है। और बाकी यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, और ये ऊपर जो है ऊपर इसी में ऊपर को जाने को दड़का बोलते हैं उसको, वो भी है लेबर, बारिश ने खराब कर दी है। और मेरे हस्बैंड थोड़े से तोतले भी बोलते हैं, नहीं तोतला नहीं बोलते, वैसे लगाई होती है। अरे मैं मजाक करती रहती ना, फिर कई लोग सीरियस हो जाते हैं। वहां से वो वाली साइड से जो दूसरा रूम है ना ऊपर को, उससे ऊपर को सीढ़ी है एक, मतलब कि वो लगानी पड़ती है जब ऊपर जाते हैं, तो दड़के के ऊपर भी इसमें दो दड़के हैं। और उसके बाद चलो ऊपर ऊपर देखो वो ये वाला, वहां पे चलते हैं, चलो हंस क्यों रहे हैं, ये इसके लिए ही ये विवादास्पद था, इसके लिए मैं मना कर रही थी, तभी तो मैं बोलती हूँ ना जैसे बात चलती है। रस्ती क्या बदतमीजी है ये, और इसने ना वो देखो चेन वो वहां पे टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर इसको पता नहीं है कि मैं खुला हुआ हूँ। ये इसका पता क्या, ये अभी भी ऐसे ही कि मैं बंधा हुआ हूँ। तभी बोलते हैं कि भाई इसको लोहे की मत बांधो, वो सोडियम को प्लांट, इसको ना इसने तार के टुकड़े टुकड़े, हमने इसका जुगाड़ किया था, इसने सारी तार खा ली है और खुद अभी ऐसे ही है कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ। क्या ये 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 है, ये क्या पोजीशन है अब, ये क्या है, चल रहे इसको यहाँ से। अब जैसे ही हम ऊपर से जहाँ से हम पहले उधर को गए थे यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से ऊपर के लिए फिर से सीढ़ियाँ है, और उसके ऊपर भी काफी अच्छी खाली छत लगी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है हमारा टेरिस, मतलब की छत, टेरिस ही बोला मार बोला, लैंडर, हम पहाड़ी में बोलते हैं लैंडर, लैंडर गाय। और यहाँ तो आपने ऐसा नहीं देखा है, कुछ ऐसा है, अगर यहाँ पे कमरे बनाएंगे तो चार कमरे काफी अच्छे अच्छे बन जाएंगे, और एक किचन भी बन जाएगा, बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो भी रहता है वो भी बन जाएगा, और काफी अच्छा सा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा। और चलिए अब बनाते हैं डिनर, आज का स्पेशल डिनर, बाकी थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे, आज पुरानी यादें ताजा करेंगे। और यहाँ से तो अल्टीमेट व्यू देखता है वो, देखिए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, चारों तरफ फेंसिंग हुई है, वो देखिए जालियां दिख रही है इसमें, वो जालियां लगी है यहाँ पे भी, ऊपरली साइड भी निचली साइड पे भी, और दो तरफ इसमें गेट लगे हुए हैं, कोई कहीं से अंदर बाहर नहीं आ सकता है। अब देख लीजिए आप, कोई इंटरेस्टेड है इच्छुक है तो बोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो ऐसे लगता है जैसे नहीं देना है ना। क्योंकि अभी मम्मी डैडी ने आना शुरू कर दिया है तो हम भी आएंगे, क्योंकि मम्मी डैडी ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे यहाँ के लिए, तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता था। अभी हम सैटरडे सैटरडे को, हमने एक फैसला लिया है इसके लिए, सैटरडे सैटरडे को हम यहाँ पे आ जाया करेंगे, रस्ती को देखती हूँ रस्ती खेल रहा है, तो सैटरडे सैटरडे को हम यहाँ आ जाया करेंगे, और फिर संडे को हम शाम को ऊपर चले जाएंगे। और आज का व्लॉग हो गया है काफ़ी सारा लंबा, वीडियो कभी कर दूंगी अब यहीं एंड, मिलूंगी नए से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।